हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एम गार्डनिंग। तो फ्रेंड, आज हम देखेंगे हमारे गार्डन का रिव्यू और कुछ गार्डन अपडेट्स जो कि इस मई के महीने में मैं गार्डन में करता हूं। और अभी भी आप जैसे देख रहे हैं कि मेरे डेडेनियम के प्लांट्स हैं जो अभी भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो गर्मी में फ्लावरिंग करते हैं, और थोड़ी सी देखभाल करने पर उनमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है और बहुत दिनों तक चलती है। जैसे कि अभी तो एडेनियम का सीज़न है, उसमें फ्लावरिंग करती रहेगी। सिर्फ आप उस पर वाटरिंग का ध्यान रखेंगे तो इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहेगी, और ये पूरा साल फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। कोई कोई बोलते हैं सिर्फ समर में फ्लावरिंग करता है, ऐसा नहीं है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। लेकिन हमें थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा। अभी जरबेरा का टाइम है, जरबेरा अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन अभी हमारी, ये देखिए, ये मेरी मम्मी है जो फ्लावर चुन रही हैं ताकि वो पूजा में उसको यूज कर सके। ये देखिए मोगरा। एक बात बताना भूल गया फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ पे 48 डिग्री तक हीट का टेम्परेचर है, फिर भी देखिए मेरे गार्डन में फ्लावरिंग अभी भी अच्छी तरह से चल रहता है। और कुछ प्लांट्स हैं ऐसे फ्रेंड्स जिनके पत्ते जल रहे हैं, उनको मैंने सेमी शेडेड एरिया में रखा हुआ है। और जो हमारे विंटर के प्लांट्स थे उसमें पेटूनिया, एक सिर्फ एक प्लांट बचा है पेटूनिया का, बाकी सब तो ख़त्म हो गए। और वर्बेना के कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास अभी जो कि अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और मांडेबिला, जरबेरा, ये सब तो फ्लावरिंग इसमें चलती रहती है। और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे अपराजिता हो गया, जैसे कनेर हो गया, इसमें अभी फ्लावरिंग तो चलती रहेगी। और गुड़हल का भी अभी फ्लावरिंग सीजन है, लेकिन अभी ज़्यादा धूप बढ़ने क्या जो बढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है फ्लावरिंग। लेकिन चांदनी वगैरह में अभी फ्लावरिंग होती रहेगी, आप उसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कीजिए। और हमारा जैसे भिंका हो गया, भिंका में भी अभी फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर एक भी दिन आप पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट मुरझा जाएगा। तो उसमें सिर्फ अभी वाटरिंग का ध्यान रखिए, और प्लांट को जो होता है फ्रेंड्स आप उसको कुछ जैसे ग्रीन नेट वगैरह में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी इंडोर प्लांट्स भी अच्छे चलते हैं, आप अगर इंडोर प्लांट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इंडोर प्लांट भी अपने घर में रख सकते हैं। बहुत सारे फाइकस के वेराइटी जाते हैं फ्रेंड्स, आप उसको भी घर में ला के रख सकते हैं। और जैसे हमारा बोगनविलिया हो गया, बोगनविलिया का अभी तो फ्लावरिंग सीजन है, मांडेविला भी फ्लावरिंग कर रहा है। लेकिन बोगनविलिया में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ अभी, क्योंकि बोगनविलिया में कुछ ऐसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसमें वाटरिंग का ध्यान रखेंगे। ज़्यादा वाटर उसमें लगता नहीं है, ताकि इसीलिए वो समर में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। और अमारियास लिली भी अभी जोरों शोरों से फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह से अगर कुछ प्लांट्स हैं जो आप उनकी ध्यान रखेंगे तो आपका जो गार्डन है वो पूरा गर्मी के सीज़न में भी फ्लावरिंग करता रहेगा। ये देखिए मेरे प्लांट्स अभी भी हेल्दी लग रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ की जो कंडीशन है अभी ख़राब हो गई है, और कुछ की अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। ये देखिए बोगनविलिया का, ये देखिए फ्रेंड्स, ये अजेलिया का प्लांट है जो मेरे छत के ऊपर लगा हुआ था, जिसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हालांकि इसमें एक प्लांट ख़त्म हो गया है अभी, ख़राब हो गए, वो बिल्कुल मर चुका है। और ये देखिए फ्रेंड्स, पिपली का प्लांट जिसमें अभी फल लगे हुए हैं, लेकिन इसकी कंडीशन भी थोड़ी ख़राब है अभी धूप की वजह से। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है फ्रेंड्स, प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को बचा सकूँ। और ये देखिए मेरे इलायची का प्लांट जो अभी बहुत अच्छी तरह से इलायची प्रोड्यूस कर रहा है, ये बड़ी वाली इलायची है फ्रेंड्स। और मुझे लगता है जितने बड़ा पेड़ था उतने इलायची आए नहीं। और ये देखिए, ये हमारा कालांचोए का प्लांट, इसको भी मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है, और कुछ कटिंग इसमें गलने वाली थी तो इनको मैंने नया एक छोटे छोटे पॉली बैग में, नया प्लांट क्रिएट करने के लिए छोटे छोटे पॉली बैग में लगाया हुआ है, ताकि मैं इनसे नए प्लांट क्रिएट कर सकूँ, और अभी भी इसके चल जाएगी। और ये देखिए बारबाडोस चेरी का प्लांट, अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, सोच रहा हूँ इस बार एक या दो चेरी इसमें लग जाए। लेकिन पिछली बार भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन एक भी चेरी हुआ नहीं था। और अभी मैं थोड़ा आस लगा के बैठा हूँ इसमें आ जाए। और ये देखिए कटहल का पेड़, और इसमें किस तरह से कटहल लगे हुए हैं, और मैंने कुछ कटहल तोड़े भी हैं। आज हमारे यहाँ पे इसकी जो वेजिटेबल की सब्जी बनेगी। और ये देखिए गुड़हल जो मेरे छत पे लगाया हुआ है, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे प्लांट हैं जो अभी गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगी अपने गार्डन में, और आपके गार्डन को एक बहुत अच्छा सा लुक्स देगी।
और ये देखिए बहुत सारे गुड़हल, और ये बोगनविलिया पिंक कलर का, जिसमें अभी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है मैंने जैसे पहले बोला था। और ये व्हाइट कलर का गुड़हल, गुड़हल के तो बहुत सारे वेराइटीज आते हैं फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ी सी केयर करेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी तरह से चलेगी। और ये वर्बेना जो भी फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन इसमें कम हो रही है फ्लावरिंग धूप की वजह से। और इस तरह से जो मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है, ये मेरे अभी गार्डन की अपडेट है, और रोज़ में भी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं और मेरी वाइफ अभी छत के ऊपर आए तो हमने देखा ये एक सब्जी वाला प्लांट, तो उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं ताकि उसकी हम सब्जी बना सकें। इसकी ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी जो उसकी टेस्ट होती है थोड़ी खट्टी होती है, और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, तो हमने सोचा इसको हम कलेक्ट करें और इसकी सब्जी हम बनाएं, तो इसीलिए हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ। और फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एम गार्डनिंग। थैंक यू।